हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पहली माँ है मोमिनों की। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस दौर के अंदर जिस दौर में अभी इस्लाम नहीं आया था, अभी पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, अभी औरतों के बारे में वो सारे अहकाम नाजिल ना हुए थे जिसकी पाबंद एक मुसलमान खातून होती है, उस जमाने में भी हजरत खदीजतुल कुबरा पर्दे की पाबंद थी। उस दौर के अंदर भी हजरत खदीजतुल कुबरा सच बोला करती, उस दौर के अंदर भी जनाब खदीजतुल कुबरा के मिजाज में नफासत थी। बहुत बड़े ताजर की बेटी थी, बहुत बड़े, और बाप के इंतकाल के बाद हजरत खदीजा ने खुद तजारत संभाली खुद। ये कैसी ताजरा है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, ये कैसी ताजरा है जिन्होंने कभी जाके किसी आदमी के साथ गुफ्तगू नहीं की, ये किस किस्म की तजारत पेशा खातून है जो कभी मार्केट और बाजार नहीं गई, लेकिन मक्के में जिनका माल सबसे ज्यादा बिकता था वो हजरत खदीजतुल कुबरा है। वो किसी शख्स का तायुन करती, कहती सरमाया मैं लगाऊंगी, मेहनत तू करेगा, और वो डील भी जब होती ना उस शख्स के साथ गुफ्तगू होती तो वो भी डायरेक्ट हजरत खदीजा ना करती, बल्कि आपकी एक खादमा थी हजरत नफीसा, बाद में वो मुसलमान हुई, उनकी जिम्मेदारी होती। वो खातून जाकर उस आदमी से गुफ्तो शनीद करती, हजरत खदीजा का माल लेके लोग जाते। मक्के में जब सब लोगों का नुकसान हुआ ना जिस साल, जनाब नफीसा कहती हैं जिस साल सारे मक्के वालों का माल डूब गया, हजरत खदीजा को उस साल भी अल्लाह ताला ने 11 गुना नफा अता फरमाया, उस साल भी बड़ा नफा दिया, हालांकि तिजारत के साथ नहीं, इब्तदा इस्लाम में। और फिर अजीब बात यह है कि दो दफा शादी हुई, दो दफा बेवा हुई, दो दफा शादी हुई, दो बेटे थे हजरत खदीजा के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल आपके दो बेटे थे, हिंद और हाला, दोनों मुसलमान हुए, दोनों हुजूर के सहाबी हुए, दो शहजादे थे हजरत खदीजा के, दो दफा पहले शादी हुई, दोनों खामद इंतकाल कर गए, अरब के बड़े बड़े, और हजरत खदीजा बनू कुरैश में से हैं, तीन चार नस्लें ऊपर जाकर इनका खानदान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। हजरत खदीजा का दो दफा निकाह हुआ, आप बेवा हो गई, दोनों दफा खामद विशाल कर गए, बड़े बड़े मक्के के सरदारों ने पैगामे निकाह दिया, हजरत खदीजा खामोश रही, निकाह नहीं किया। लोगों ने बड़ी वजूहत बयान की, अलग अलग बातें लिखी। शेख मौकिक शाह अब्दुल हक मुजद्दिल भी फरमाते नहीं, असल बात और थी। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था, खाना काबा के पास सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था, वो बीबियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीबियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूं, अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुशनसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा झिड़का का, चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खदीजा कहती हैं बाकियों ने डांटा पर मैंने बात पल्ले से बांध ली, मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी, अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं, इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी हैं और सबसे उजले भी हैं, वो सबसे पाकीजा हैं। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाबे अबू तालिब के पास रहते थे, कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खदीजा का माल लेके जाओ। नबी पाक ने कहा चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफा ने तो नहीं कहा, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला ना कहती है मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा, मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हजरत खदीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया।
जनाबे खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाबे खदीजा ने उनको साथ भेजा, फरमाया एक तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामला दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लिया, तू मिले हो ते साजन मिले हूं नासा लग पईया, जरा जाके ना तिलावत करना मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात के, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खदीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना, ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिले तय हुई थी, मैंने कहा खदीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुला विच हथ नाल फुला रल जावे, अद्धी राती चन चढ़ जाते ही जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैं सरा कहते मैं गया, तजारत शुरू हुई, कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा चलो माज अल्लाह बुतों के नाम थे लातो मनात, कहने लगा लात की उज्जा की मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाओ जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलाने नबूवत नहीं किया, और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कस्में उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। मते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रस्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे, एक ईसाई राहब गार में बैठा था निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था, मैं सरा ये किसको साथ लाए ये कौन है। मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज्जज आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा, यहाँ दूसरा को लेट ही नहीं सका, ये रसूल है इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी, फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। अल्लाह जाने कहां बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे, पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ी हैं। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहां तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे वो ऐलान कर, लोग पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ते हैं कहां बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे, फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खदीजा के गुलाम कहते वापस आया, और पहले भी कई दफा हजरत खदीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खदीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया, और जनाब खदीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता कितना बिका। मैंने कहा माल छोड़ो मुस्तफा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है बादल साया करता था, चलो ठीक है तुमसे राहब ने पूछा था ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई। तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है पर इस रसूल के साथ चार दिन ही गुजारे हैं, हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, बस मुझे हुजूर के तज़करे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफा करना है। हजरत खदीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगामे निकाल दिया था,
पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल है और मेरा अहवाल और तरह का है। वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही भला मैं कबूल होती हूँ। पूछो, नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद है, कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना को नाजायज है। ओ मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई और कोई शायद जायज नहीं, ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए, सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को यह दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूं, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में अफकार में नजरियात में इतनी नफासत, मुस्तफा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाए। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता, और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई है, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया, उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से तिजारतों से सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी, का महबूबा जब मैं तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रस्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे और जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे बेच शरीयत मंदा खसम नू कहना, बस ठीक है जिस हाल में महबूब राजी है। कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं, आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार, जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं, तेरे मेरे का झगड़ा। आओ मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो, हजरत हलीमा सादिया मिलने आई, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं रजाई अम्मा है, यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं, वो सोचती नहीं कि किसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना, कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, उससे पूछ किस दिक्कत में किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है, तू आज मालक बनी है तो तू रंग ही बदल गई है, और बच्चा भी बीवी के साथ मिलकर के अम्मा की गीबत करता है, सोचता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, इसे ख्याल ही नहीं आता। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है, जब तशरीफ लाई तो मुस्तफा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती है मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए, और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफा की अम्मा है, पहली दफा आई है, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूं? मैंने कहा जैसे मर्जी हजरत हलीमा। कहने लगी
तो जनाबे हलीमा सादिया को 40 बकरियां और एक ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके माली बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही भूल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है, जिसने सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाए तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेंगे मैं फौरन अता करूंगा, तुझे पता ही नहीं। और उधर रसूल पाक का क्या हाल है, कहते हैं वो तेरे रिश्तेदार है, तेरे बहन भाई हैं, तू जा मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ आऊंगा, तू मिल उनसे, मैं नहीं मिलता, मैं साफ होता हूं, मेरा उनसे क्या लेना देना। हजरत खदीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर हयात नहीं थे, दो बेटे थे हजरत खदीजा के, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हो और पिछले खामन से हो, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे, और जागो और सुनो, अल्लाह करे हजरत खदीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खदीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी, समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को, तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे, सुबह अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूंगा, मैं कहूंगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा यह है कि मुस्तफा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी हाथ बांधे खड़े हैं कि मौला कैसे जगाऊं, हजरत जिब्रील भी नहीं जगा सकते। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं थी मदीने में, हजरत खदीजा के विशाल मैं मदीने में हुजूर के घर में थी, नबी पाक मेरे घर में मौजूद थे और सैयद आलम सोए हुए थे। हजरत खदीजा के पिछले खामन के बेटे जनाबे हाला आ गए और वो मस्जिद में आके बोले, मस्जिद में तवज्जो करना, मस्जिद में बोले, उन्होंने मस्जिद में आके पूछा कि नबी पाक कहाँ है, मस्जिद में। तो जनाबे आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर सोते हुए बेदार हो गए, हुजूर तामत समेटी, फौरन सर के ऊपर कपड़ा रखा, मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं, फरमाती हैं मैंने एक दफा पूछा तो हुजूर ने तीन दफा फरमाया मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खदीजा का बेटा आ गया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी के रिश्तों का जो तकद्दुस बयान किया उसको समझिए, फरमाया हाला आया है, बेदार हो के खुद तशरीफ ले गए। और ये तो हाला थे ना, बड़े बेटे हजरत खदीजा के सबसे, उनका नाम हिंद था, और हजरत हिंद से को बंदा तारुफ पूछता ना, नबी पाक का जो हुलिया मिलता है ना किताबों में, सीरत की किताबों में, हुजूर का मुखड़ा कैसा था, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर अखी है न मद भरिया। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे थे, वो बयान हजरत खदीजा के बेटे, कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो हिंद, बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी, कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं, मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमतुल ज़हरा है, माँ का नाम खदीजतुल कुबरा है, और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं राजी कैसे ना रहूं। हजरत खदीजतुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते, कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाबे आयशा फरमाती है दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था, एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई, कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए,
और फिर एक गुलाम से हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात, बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती हैं मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूलल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना जो मेरे पास बैठी रही है ये मेरी जौजा जनाबे खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाबे खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती, और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का, ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती हैं रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते, पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लो अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाजल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, जम मिलूनी मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज तो आने वाला आया है, एक और बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी है और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन हैं, जनाबे खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला ना क्या फरमाती हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ना सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ना सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना, हजरत कासम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की छह औलादें, चार बेटियां दो बेटे हजरत खतीजा से हुए, चार बेटियां और दो बेटे, धोखा देते हैं बाज लोग कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी, हजरत कासम हुजूर के बेटे थे वो विसाल कर गए, हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रजात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खतीजा तू गम ना कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रजात जन्नत में पूरी कर दी है।
जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहां बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। लुत्फ नहीं आया आपको इस बात का? मैं अभी 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 सुनाऊं तुझे बात से हसीता की रवा, अभी सुनाऊं तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहां मक्के में आएगी, सुनाऊं। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजदा देखना चाहते हैं, कहते नहीं मैं तो वो देख के आऊंगा। कहा सुनाऊं? हजरत खतीजा का ईमान देखें, कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत, आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं। हजरत खतीजा कहती है नहीं हुजूर, मैं बिन देखे ही, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पहले देख दाख के आए, पलट के आए, देख के सौदा करें, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बिन देखे माना करते हैं। युमिनूना बिलगैब की कायल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाई। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा हजरत खतीजा ने वैसा किया। और हजरत आयशा की रवायत ऐसी भी मिलती है, जनाब आयशा से किसी ने पूछा था किसी ने जन्नत की नेमतें भी खाई हैं, तो हजरत आयशा कहने लगी हाँ, एक दफा नबी पाक ने जन्नत के अंगूरों का खोशा तोड़ के हजरत खतीजा को खिलाए थे, वो अंगूर वहां से तोड़ के जनाब खतीजा को हुजूर ने अंगूर खिलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, हर मौका पर, हर मौका पर हुजूर का साथ दिया, तकलीफें देखी, आजमाइशें देखी। हजरत खतीजा का जो वक्त हुजूर के साथ गुजरा है ना, वो सारा आजमाइशों का वक्त। 15 साल शादी को हुए तो नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, बाकी के 10 साल 25 साल की रिफाकत रही, सख्त मसला था, कुफार की मुखालफत, बहुत ज्यादा माल था, फिर गुर्बत आई, पूरा मक्का सलूट करता था, फिर वो सारा शहर मुखालफत करने लगा। हजरत खतीजतुल कुबरा डट के रसूलुल्लाह का साथ देती, हर हर मौके पर, किसी जगह शिकवा नहीं किया। यहाँ औरतें बोल पड़ती हैं, कहती हैं जब से तेरे घर आई हूँ सुख नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ कुछ नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ बड़ी आजमाइश में। हजरत खतीजतुल कुबरा माल लेके आई, लेकिन उन्होंने देखा कि मुस्तफा को गरीबी पसंद है तो गरीब हो गई, जीम जान का कुछ वसा नहीं हो, जान यार नु दे ते शाद हो जा, इसे दिल देहन फसाद सारे, दिल दिरबर नु दे ते आजाद हो जा, जियो रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदो करे बर्बाद बर्बाद हो जा। कहा या रसूल अल्लाह जिस बात में आप राजी हैं मैं भी उसी बात में राजी हूँ। जनाब खतीजा रदी अल्लाह ताला ने मुकम्मल वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया। शेबे अभी तालब के 3 साल कैद में गुजारे। भाई जिस औरत ने सारी जिंदगी माल देखा हो, आला से आला खाना खाया हो, बड़े घर में वक्त गुजारा हो, कैदी होके वक्त गुजारा, और आप अगरचे कुरैश में से थी लेकिन जिस शाख से गुजूर थे बनू हाशम उसमें से नहीं थी आप, हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये कह सकती थी कि ये बाइकाट जो 3 साल मक्के वालों ने किया और एक छोटी सी वादी में कैद कर दिया है बनू हाशम को, तो ये मेरा बाइकाट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत भी दी कि अगर तुम चाहो तो अलहदा रह सकती हो, बाइकाट तो मेरा है। लेकिन हजरत खतीजा ने कहा नहीं, तेरे कदमों में रहूं गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। का हुजूर मैंने नहीं जाना, 3 साल पत्ते खा के वक्त गुजारा, 3 साल पानी पी के वक्त गुजारा। आप फरमाती हैं कई रातें ऐसी भी गुजरी जिनमें खतीजा ने खाया ही कुछ नहीं, वक्त गुजार दिया, जिंदगी गुजार दी, 3 साल एक लम्हे के लिए शिकायत नहीं की। ओ भाई ऐसी वफादार माँ का तो रोज ही करो ना चाहिए, ऐसी आला हज़रत फरमाते हैं हक गुजारे रिफाकत पे लाखों साल, हक गुजारे रिफाकत पे। अच्छा मैं दुआ करने लगा हूं कि आप सारे हजरत खतीजा पे सलाम पढ़े, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हक अदा किया, सही माँ, पहली माँ, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम।
हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला हक अदा किया। 3 साल का वक्त सोशल बाइकाट का वक्त था, सोशल बाइकाट, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ टाइम गुजारा। बाइकाट खत्म हुआ, आसानी का वक्त आया तो खदीजा बीमार हो गई। उम्मुल मोमिनीन सय्यदना खदीजा रदी अल्लाह तआला ना अलील हुई, अलालत शदीद हुई तो नबी पाक आके सराहने बैठे, कुर्बान जाऊं आज लोग इतनी नौकरी नहीं करते जितना एहसान जतलाते हैं। कहते हैं वो फलां मौली साहब को रोटी मैं दिया करता था, वो फलां आदमी के साथ उसको तो आगे पहुंचाया ही मैंने। क्रेडिट पकड़ पकड़ के लोग अपने खाते में डालने के चक्कर में होते हैं, लोग इस कदर ज्यादा प्यार नहीं करते जितना जतलाते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सिखाया है, सिखाया है अंदाज उम्मत को कि वफा क्या होती है। हजरत खदीजा ने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी वफा की। वक्त विशाल आया, हुजूर को बुलाया, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा हुए। साहिब इब्ने अशाम कहते हैं हजरत खदीजा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मैं नबी की बीवी थी, मैं खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे दरगुजर कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। ये कह के रोने लगी, नबी पाक ने फरमाया तू गलती की बात करती है, खुश हो जा, मेरे रब ने वादा फरमाया है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है तो जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी बनेगी, वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुझे पसंद किया है, जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इस कदर ज्यादा, हजरत आयशा फरमाती है अक्सर घर में अक्सर नबी पाक हजरत खदीजा का जिक्र छेड़ देते। यहां तो आदमी बहन का जिक्र नहीं ना कर सकता बीवी के सामने, अम्मा का जिक्र नहीं कर सकता, मामला खराब हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता, मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीका बज़ाहर तो शौकन थी ना, लेकिन हजरत आयशा बयान करती हैं, कहती हैं नबी पाक सबसे ज्यादा हजरत खदीजा का जिक्र करते थे घर में, अक्सर जिक्र होता। खदीजा यूं करती थी, खदीजा ये काम इस तरह करती थी, खदीजा का ये रंग होता था, उसका ये तरीका होता था, उसका ये तर्ज हयात था, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे, अक्सर हुजूर बयान करते। हजरत आयशा फरमाती है मुझे रश्क होता, रश्क, नाज करती मैं, क्या मुकद्दर है खदीजा के। कहती है एक दिन ना मैंने कहा जरा बात तो करूं, कहती है नबी पाक गोश्त लाए, मुझे कहा आयशा जरा गोश्त साफ करो पकाओ और जरा शोरबा ज्यादा करना। कहती है मैंने वो गोश्त लिया साफ करने लगी, मैंने कहा हुजूर शोरबा क्यों ज्यादा करना है, मेहमान आने वाले हैं, कुछ लोगों को आना है। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं आना तो किसी ने नहीं, मुझे पता चला मदीने में खदीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, मेरा दिल करता है कुछ सालन बतौर तोहफा उनको भी भेज दूं, तो जरा ज्यादा पकाना, खदीजा की सहेलियों को मैंने सालन भेजना है, तोहफा देना है। हजरत आयशा कहती है एक जुमला हल्का सा बेजरर सा, बड़ा धीमा सा, बच बच के, बड़ा 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 अपने आप को मोहतात करके। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खदीजा का जिक्र बहुत करते हैं, हुजूर वो तो उम्र में 15 साल बड़ी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी, आप खदीजा का जिक्र करते हैं। फरमाती हैं ये बात कह के मैं खामोश हो गई, मेरा ख्याल था जवाब आएगा, देर हो गई हुजूर जवाब नहीं देते। कहती है मैंने यूं नजर उठा के देखा तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और रसूल पाक ने फरमाया आयशा आज बात की है, आज के बाद ये बात ना करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, फरमाते हैं पहले जलाल था, फिर अचानक वो जलाल आंसुओं में बदला और हुजूर ने रो के फरमाया आयशा तुम सारी बीबियां सुखों के वक्त आई हो, खदीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी आजमाइशों और तकलीफों की साथी, उसने तो मेरे साथ वक्त कठिन बिताया, जब लोग मुझे पत्थर मारते, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते, मैं परेशान होकर लौटता, उसके एक हाथ में दूध का प्याला होता, एक हाथ में खजूरें होती, दूध पिला के, खजूर खिला के, बिस्तर बिछा के, रोटी दे के कहती महबूबा गम ना करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह बड़ी शाने अता फरमाए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फिर इमाम इब्ने हजर ने लिखा है, आप फरमाते हैं बाद लोगों पे हुजूर ने कभी जलाल भी फरमाया, कभी कभी जलाल भी फरमाया, और हुजूर का जलाल भी बड़ी रहमत वाला है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो उसे इतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब अता करता है।
हुजूर का तो जलाल भी करम वाला है, करम वाला जलाल है रसूल पाक का। अक्सर बाद लोगों पर हुजूर नाराज भी होते, लेकिन इमाम इब्ने हजर फतहुल बारी में फरमाते हैं कि सहाबा और अहले बैत में से हजरत खदीजतुल कुबरा की वो हस्ती है जिस पर कभी नबी पाक नाराज नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए। ये सबसे बड़ी फजीलत है हजरत खदीजा की, कभी नाराज नहीं हुए नबी किसी मौके पर भी। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज नहीं हुए, बल्कि बुखारी शरीफ में लफ्ज कुछ इस तरह के हैं। मैंने शुरू में कहा कि हजरत खदीजा की 20 कनीजाएं थी, नौकरानियां थी, घर के अंदर नौकर चाकर थे, रेल पेल थी, कोई काम कभी नहीं किया था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक दिन खाना पकाया और खाना पका के अपने हाथों से जब निकली ना और आ रही थी हुजूर को खाना देने, तो बुखारी में मौजूद है, जब हजरत खदीजा आई तो नबी पाक ने फरमाया खदीजा तेरे आने से पहले हजरत जिब्रील आ गए और वो कह रहे हैं या रसूलल्लाह खदीजा बर्तन में खाना लेके आ रही है और जब वो खाना लेके आ जाए तो उसे कह दीजिएगा उसका रब उसे सलाम कहता है, उसका रब उसे अल्लाहु अकबर जिसको अल्लाह सलाम कहे। फाजले बरेलवी फरमाते हक गुजारे रिफाकत पे लाखों, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हो को रब ताला के सलाम आए, मुखसिना इस उम्मत की मुखसिना। किसी का कोई इंतकाल कर जाए तो 3 दिन से ज्यादा सोग ना करे, वो औरत सोग करेगी जिसका खामन चला गया, 4 महीने और 10 दिन सोग करेगी। लेकिन जब हजरत खदीजा का विसाल हुआ और उन्हीं करीब अय्याम में जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ, रसूल पाक ने उस साल का नाम गम का साल रखा, उस साल का नाम गम का साल। असल बात यह नहीं कि मुआशरा बिगड़ गया है, असल मसला यह है कि इसको संवारने में किसी ने आगे बढ़ के किरदार अदा नहीं किया। असल बात यह नहीं कि लोग गुरों के पीछे लग गए हैं, असल बात यह है, जाग के सुनिए, असल बात यह है कि हमने अच्छों का जिक्र नहीं छेड़ा, हमने खैर वाले लोगों की बात बयान नहीं की, हमने उन लोगों के तज़कार नहीं सुनाए। हम तो अपनी बेटी को जब बिठाते हैं तो उसे कहते हैं फलाने की बच्ची डॉक्टर बन गई है, उसे परवाह नहीं खामद की, और फलां की बच्ची इंजीनियर बन गई है उसे क्या फिक्र है, अब खामद कमाए ना कमाए, वो देखो बच्ची कहां तक पहुंच गई है, बेटे कुछ कर ले। बच्ची को जब भी बात सिखाओ या खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बताओ या फातिमा तज़हरा की बताओ या हजरत आयशा सिद्दीका की बात सुनाओ या जनाबे हफ्सा की सुनाओ, हम उन लोगों का तरीका तो बच्चे फॉलो किसे कर रहे हैं, वो किस किसकी पैरवी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा घर है जिस घर के अंदर अब्बा और अम्मा जी बैठ के, बिलखसूस माँ उसकी ड्यूटी है कि वो बैठे और अपनी बच्चियों को हजरत खदीजा का तर्ज जिंदगी बतलाए, अपने घर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा छेड़े। और मेरी ये गुजारिश है अहले सुन्नत को अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह की अलव से लेकर वली की ये तक हम सबको मानने वाले हैं, बल्कि मैं कहता हूँ खुश नसीबी है हमारी, सहाबा का भी जिक्र हमारे हिस्से में है, अहले बैत का भी, अजवाजे मुतहरात का भी, और सबसे बढ़कर ये कि हम तो रसूलुल्लाह के वालदैन के भी नौकर हैं, उनका जिक्र भी हमारे लिए हिर्ज़े जां है। मैंने आपको हदीस सुनाई, हजरत आयशा कहती हैं कसरत से नबी पाक जिक्र करते थे हजरत खदीजा का, गोया हजरत खदीजा का जिक्र करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है जनाब खदीजा की बात करना, उनकी बातें करें, उनका जिक्र छेड़ें। इस माँ ने सिर्फ अपने 6 बच्चों के लिए सारा कुछ नहीं किया, इस माँ ने हम सब के लिए बड़ा कुछ किया, इस माँ ने दीन को सहारा दिया, इस माँ ने आगे बढ़कर सबसे पहले दीन की नौकरी की है, इस माँ ने रसूल पाक की ढारस बंधाई है, इस माँ ने उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को जीने का ढब सिखाया है, इस माँ ने बीवी को घर बनाने का तरीका बतलाया है, इस माँ ने घर को जन्नत बनाने के सलीके सिखाए, इस माँ ने बताया है कि मुतमइन कैसे रहना है, राजी कैसे रहना है। सच्ची माँ, पहली माँ, काफ़े अमन व अमां, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खदीजा की जिंदगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का तर्ज हयात दस्तूर है जीने के लिए, दस्तूर है। लोग कहते हैं अमीर गरीब होके नहीं जी सकता, मैं कहता हूँ हाथ में दामने मुस्तफा हो तो बाकी हाल जिस तरह का भी हो बंदा बड़ी इज्जत से जिया करता है, बड़े वकार से जिया करता है, बड़े एजाज से जिया करता है,
हजरत खदीजतुल कुबरा ने हमें जीने का सलीका सिखाया, बच्चियों को, बहनों को, माओ को, बेटियों को हिफ्ज कर लेनी चाहिए जनाबे खदीजा की जिंदगी। इस जिंदगी को अपनाए, इस जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरत खदीजतुल कुबरा की चार शहजादियां, चारों हुजूर अक्सर तोहफे भी देते हजरत खदीजा को। रवायत सुनी और बात समेट दू, एक हार आया किसी जंग से तो नबी पाक ने हजरत खदीजा को दिया। हजरत खदीजा ने बड़ी बेटी की शादी की जनाबे ज़ैनब की बेटी, और बाज़ रवायतों में ऐसा भी मिलता है कि वो था ही हजरत खदीजा का। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना वो हार बड़ी शहजादी जनाबे ज़ैनब का निकाह किया तो उन्हें दे दिया। नबी पाक के बड़े दामाद हजरत ज़ैनब के शौहर बदर की जंग में काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए, वो गिरफ्तार हुए। हुजूर ने फिदिया मुकर्रर किया कि इतने पैसे दो चले जाओ, अभी काफर से निकाह करना ममनू नहीं था। हुजूर की साहिबजादी उनके निकाह में थी और बाद में वो मुसलमान भी हो गए। हुजूर ने जब अपने दामाद से कहा ना लाओ फिदिया दो तुम भी, उन्होंने मक्के पैगाम अपनी बीवी को भेजा, और बीवी चूंकि हजरत खदीजा की साहिबजादी थी तो खावंद की हकूक जानती थी, खावंद पर इशार करना कुर्बानी देना जानती थी। उन्होंने अपने गले से हार निकाला और निकाल के फिदिये के तौर पे भेज दिया। सियाबा कहते हैं फिदिया आया और जब वो हार हुजूर की गोद में गया तो हमने अजीब रंग देखा, हुजूर के आंसू इतने बहे कि महफल अजीब हो गई, अजीब हो गई। नबी पाक खोल के रोए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फटाफट उठ के कदमों में बैठे, महबूबा क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया तुम्हें पता है ये हार कौन सा है, हुजूर कौन सा है? फरमाया हार सामने आया है तो मुझे खदीजा याद आ गई, ये खदीजा का हार है जो उसने ज़ैनब को दिया, ये वो वाला हार है। अबू बकर सियाबा से कहो कि अगर सारे मशवरा दें तो मैं ये हार वापस ना कर दूं, खदीजा की ये निशानी कायम रहे वापस ना कर दूं। तो कैसे सियाबा भैया की जुबान कहने लगे महबूबा जाने भी हाजिर है, हर शह हाजिर, हुजूर निशानियां देखते हजरत खदीजा की। मोहब्बत और प्यार का रिश्ता, और मर्दों से भी ये शिकवा है कि वो भी उस तरह का प्यार नहीं करते घर के अंदर जिस तरह का उन्हें करना चाहिए, तर्ज जिंदगी उस तरह का नहीं अपनाते जिस तरह का उनका होना चाहिए। अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करेंगे तो किरदार देखकर इंशाल्लाह ताला घर में भी हुसन पैदा होगा। फिर एक दफा कहूंगा कल और परसों ये दो दिन हजरत खदीजा के नाम है इंशाल्लाह ताला, ये दो दिन हजरत खदीजा के हैं। अपनी अम्मा का जिक्र करेंगे, जिक्र सुनाएंगे, जो बातें सुनी है आगे पहुंचाएंगे, घर के अंदर उनके तज़किरे छेड़ेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह।